खास ख्याल करना है स्टूडेंट्स को, आपने इंटीमेट करना है क्योंकि वो किसी भी पब्लिक को इस केज के करीब ना आने देने का। पैदाइश के वक्त माशाल्लाह सारे बच्चे हेल्दी थे और सबका वज़न तकरीबन 1 kg के करीब था और हमने इनको इंसेंटिव केयर में रखा 2 से 3 महीने। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट बेहतर होती गई उसके बाद हमने आफ्टर 4 मंथ्स इनको हमने पब्लिक के लिए रिलीज़ किया। जितना ज़्यादा लीटर काउंट होगा उतना ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, उसको मल्टीविटामिन्स और बाकी चीज़ों से कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशल केयर में हमने इन्हें 3 मंथ्स रखा है, वी टुक इनटू द स्पेशल केयर एंड देन वी टुक देम आउट फॉर द पब्लिक। इनकी वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, एक सप्लीमेंटेशन का शेड्यूल होता है, वो कम्प्लीट करने के बाद हम लोगों ने पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवाया। बच्चों को हम लोगों का बेसिक मोटिव ये है कि इनको जितना हो सके नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाए, लोगों के साथ मतलब डोमेस्टिकेट ना किया जाए। दे आर वाइल्ड सो दे मस्ट लिव एज वाइल्ड, कीप देम ऑन द मदर केयर। मदर को हम लोगों ने सप्लीमेंट स्टार्ट किया ताकि मिल्क डेफिशिएंसी ना आए। पहले ये मदर मिल्क पे थे और अब ये मीट खा रहे हैं, चिकन और बीफ। हमने एक इसकी कैंपेन अपनी लॉन्च की हुई है फेसबुक पे, जो हमारा पेज है बैरिया टाउन में, और उसमें हमने पब्लिक को इन्वॉल्व करने के लिए, बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए उनसे ये नाम सजेस्ट किए हैं, जिसपे एक ऑलरेडी वर्किंग चल रही है और पब्लिक हमें, बच्चे हमें सजेस्ट करेंगे इनके नाम, उनके नाम पे सजेस्ट किए हुए नामों पे इनके नाम रखे जाएंगे। Thank you.
देखिए कैसा होता है।